एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल जिंदगी आजकल में आप सभी का स्वागत है। तो बने रहिए मेरे चैनल पर मेरे साथ मेरी वीडियोस देखने के लिए। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुश रहें। तो आज की जो रेसिपी है हम शेयर करेंगे आपके साथ, नींबू का अचार, खट्टा मीठा और चटपटा। तो वीडियो में एंड तक बने रहें और वीडियो को स्किप ना करें। मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आ गए हम नींबू के पेड़ के पास और यहाँ पर अब काफी नींबू लगे हुए हैं जो अब पकने शुरू हो गए हैं। तो अब हम यहाँ आ गए हैं, तोड़ लेते हैं थोड़ा सा अचार के लिए नींबू। यहाँ पर बैठे हुए बच्चे नींबू तोड़ रहे हैं। ये देखिए काफी अच्छे से नींबू हमारे पक चुके हैं। पके पके तोड़ो बेटा, पके पके। ये पक्का हुआ नहीं है? हाँ, जो पीले पीले हो रखे हैं ना उन्हें तोड़ो। अंदर भी है पीले पीले ही रखे। यहाँ से तोड़ लो बैठ के, आराम से, कांटे ना लग जाए, आराम से, आराम से तोड़ो। हाँ, यहाँ पर हमने नींबू तोड़ लिए हैं और जब ये अच्छी तरह पक जाएंगे तब इनका डालेंगे अचार और आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पर हमने अचार के मसाले की पूरी तैयारी कर ली है और यहाँ पर देखिए आप, मैंने ली है ये आधा चम्मच काली मिर्च और एक चम्मच ली है मेथी और एक चम्मच लिया है साबुत धनिया और दो तीन दालचीनी के टुकड़े और तीन इलायची और आठ दस काली मिर्च और एक चम्मच लिया मैंने ये पीली सरसों। तो सभी मसालों को मैं थोड़ा सा इसमें मॉइस्चर निकालने के लिए एक पैन में अच्छे से इसको थोड़ा सा गर्म करूँगी। एक पैन ले लूँगी उसमें, और यहाँ पर मैंने आधा किलो लगभग ये नींबू है इनको ले लिया है और अब कट करेंगे इनको। तो चलते हैं और अब हम करते हैं अचार की तैयारी। पहले मैं अपना ना मसाला थोड़ा सा इसका मॉइस्चर निकालने के लिए इसको थोड़ा सा भून लेती हूँ। मसालों को एक साथ ही मैंने डाल दिया है और बहुत ही हल्की फ्लेम पर मुझे इनको भूनना है, ये जलने नहीं चाहिए। धीरे धीरे चलाते रहना है इनको। यहाँ पर मैंने नींबू को अच्छे से धो लिया था और इसका पानी भी नहीं है इस पर अब, तो मैं फिर भी एक बार कॉटन के कपड़े से इनको अच्छे से पोंछ लूंगी और पोंछने के बाद में हमारा प्रोसीजर चलेगा अचार का। तो सभी को मैं अब अच्छे से पोंछ लेती हूँ। मैंने यहाँ पर अपने किचन गार्डन से थोड़ी सी मिर्ची ली है अचार में मिक्स करने के लिए और ये बहुत ज़्यादा तीखी मिर्ची है इसलिए मैं इनको थोड़ा ही डालूंगी और मैं इनको अब कट कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने मसाला भी तैयार कर लिया है और ये मसाला थोड़ा खड़ा मसाला होता है, ज़्यादा बारीक नहीं पीसते इसको अचार के मसाले को। यहाँ पर मिर्ची को मैंने काट लिया है और अब हम इसको डाल देंगे नींबू के अंदर। और जो मैंने आपको मसाले दिखाए थे उनको मैंने क्रश कर लिया है, उनको भी अब डाल देते हैं इसके अंदर। उसके बाद मैं डालूंगी इसमें चार चम्मच काला नमक, चार चम्मच काला नमक हो गया। उसके बाद थोड़ा सा इसमें डालेंगे दो चम्मच चीनी, ज़्यादा नहीं, बस काफ़ी है। उसके बाद अब हम इसको अच्छे से मिलाएंगे, मिक्स करेंगे। अब मैं डालूंगी इसके अंदर एक चम्मच ऑयल सरसों का। अब इसको कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। अब ये हमारा रसीला अचार बनकर हो जाएगा तैयार। और एक चम्मच ऐड करनी है मेरे को इसमें लाल मिर्च, फिर अच्छे से चलाऊंगी इसको। हमारा अचार बनकर हो गया है कंप्लीट, आप देख सकते हैं। यहाँ पर लिया है मैंने एक जार जो बिल्कुल एकदम साफ है और मैंने एकदम इसको अच्छे से पूछ लिया था और इसके अंदर अब अचार को डालूंगी। प्रिजर्व करने के लिए इसमें डालनी है आधा चम्मच ऊपर से चीनी, जिससे कि अचार खराब ना हो और सालों साल चलेगा। और अचार लेने से पहले अपने हाथों को साफ कर लेना चाहिए और जो आप स्पून से अचार लें वो एकदम सूखी होनी चाहिए,
तो अचार आपका कभी भी खराब नहीं होगा और सालों साल आपका अचार चलेगा। तो यहाँ पर अचार बनकर हो गया है तैयार, आप देख सकते हैं। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।